SST जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि, प्रैक्टिकल विधि जिसको आप कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है। मैं आपको हाथ पकड़ के करवाऊंगा, वो विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, पूरी तरह से एकदम विश्लेषण कर दिया जाएगा इस सब्जेक्ट का, जो कैसे आप 10 दिन में कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप समझते, चलिए पूरा समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसा मैं बोला हूँ वैसा मैं करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले चैप्टर समझ लीजिए, टोटल 30 चैप्टर है। कितना? 30 चैप्टर, और आपके पास दिन है 10 दिन में ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन आप इसको समझिए 26 चैप्टर ही, 30 के जगह 26। वो क्यों, मैं आपको समझाऊंगा क्यों समझना है आपको, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और इसके लिए आपको 2+1 ये क्या है इसको भी समझिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जितना भी विषय है, मतलब 30 सब्जेक्ट या फिर 26, इसमें क्या है, कुछ चैप्टर आसान है और कुछ हार्ड है। तो आपको क्या कर लेना होगा कि हर रोज़ 2 आसान चैप्टर और 1 कठिन चैप्टर को आपको क्लियर करना होगा। हर रोज़ दिन रात में किसी भी टाइम में मिला के अपना टाइम टेबल बना के वो सब बताऊंगा मैं। तो 2+1 यानी 2 आसान और 1 कठिन ले के चलना है आपको। और रहा बात ये, मैं 30 के जगह 26 क्यों लिखा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि 26 चैप्टर ही आपके पास, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए, 4 चैप्टर कम गया। अगर आप सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट, जो कि इस वीडियो के बाद भी आप दे सकते हैं, 2 घंटा 40 मिनट अगर आप दीजिएगा तो एक वीडियो 1 चैप्टर ख़त्म, वो भी 1 घंटा से कम समय में। अगला वीडियो, अगला चैप्टर ख़त्म 1 घंटा से कम समय में। इस तरह से 2 घंटा 40 मिनट में क्या कर लीजिएगा आप, ज्योग्राफी का 1 चैप्टर और इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, वो भी शानदार तरीके से। और इसके लिए आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना होगा, उसके बाद तो आप समझ लीजिए लगभग 3 घंटा। 3 घंटा में आप क्या कर लीजिएगा, 4 चैप्टर ख़त्म कर लीजिए आज के आज। उसके बाद अगले दिन से ये 2+1 का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अब ये 2+1 को कैसे क्रियान्वयन करना है उसको भी समझिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका जो भी मेथड है पढ़ाई करने का, आपके पास बुक होगा, नोट्स होगा, सर का खुद का हैंड रिटन नोट्स, गाइड, PDF, बहुत सारा चीज़ होगा आपके पास। तो सबको लेके अपने तरीके से 2 आसान और 1 कठिन चैप्टर को आप कर लीजिए। हाँ, एक सजेशन मैं आपको दूंगा, YouTube पे जब भी पढ़ाई कीजिए, इस चैप्टर मान लीजिए आप एक 1 शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं जिसमें पूरा चैप्टर को पढ़ाया गया है, तो वहाँ बस ध्यान दीजिए क्योंकि आपके पास वक्त कम है। अगर आप समय बचाइएगा तो कहीं और आप क्या कर लीजिएगा, उस समय को दे दीजिएगा। तो इसके लिए बेहतर होगा ऐसा वीडियो को देखिए जिसमें सीधा टू द पॉइंट पढ़ाया गया है आपको, ज़्यादा उसमें बताया गया नहीं, मतलब एक्स्ट्रा बात। और अगर वो बिना फेस वाला वीडियो है तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। तो ऐसा वीडियो सेलेक्ट कीजिए और आराम से देख लीजिए, और उसके बाद अपना याद करके खत्म कीजिए 3-3 चैप्टर रोज। कुछ नहीं है ये आपके लिए, कहीं दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, पूरा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत है फुल आपको सपोर्ट मिलेगा। रहा बात इन सब्जेक्ट का, तो वीडियो तो मैं रेकमेंड किया हूँ, लेकिन बाकी जो रह गया तो प्लेलिस्ट बना हुआ है थोड़ा बहुत, आप देख सकते हैं मेरे चैनल से भी, जो भी आपको पसंद है यूट्यूब पे, कोई दूसरे चैनल पे भी जाइए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 10 दिन में ख़त्म करना है आपको SST, तो ख़त्म करना है, मतलब किसी भी तरह से करना है ख़त्म। एकदम मन में दृढ़ निश्चय कीजिए और लग जाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपके बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाकी बहुत सारे मैंने आपको बताया कि लास्ट के मंथ में कैसे प्रिपरेशन करना है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा प्लान बताया हूँ आपको कि कैसे पढ़ाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकता है, मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा उसको भी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।